घुंघरू की तरह बजता ही घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। पूरे वीडियो के साथ बने रहें, ये डेमो है। इस पूरे गीत को मैं लिखित नोटेशन के साथ आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत बहुत सुंदर गीत है, आइए थोड़ा और गुनगुनाते हैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, सो बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, सो बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लूट लूट के और मिट मिट के बनता ही रहूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा। जय श्री गुरुदेव। मित्रों, मैं आनंद दुर्गेश आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में एक बहुत सुंदर गीत, बहुत प्यारा गीत लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों की काफ़ी पुरानी डिमांड थी इस गीत की, तो आज फाइनल इस पर वीडियो बना रहा हूं। पूरे वीडियो के साथ बने रहें, बहुत सुंदर गीत है और गायकी को और बेहतर करेगा ये गीत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है इस गीत में। किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गीत है। आइए शुरू करते हैं, पहले स्केल समझते हैं, फिर स्वर देखते हैं और फिर एक एक शब्द की नोटेशन आपको बताने वाला हूं। तो सी शार्प स्केल है, काली एक ही, गाने और बजाने का अंदाज है। ओरिजिनल इस गीत को गाया गया है सी से, मैं आपको सी शार्प से बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए समझना आसान हो। स्वर की बात करें तो कोमल निषाद के साथ बाकी सभी शुद्ध स्वर प्रयोग होंगे। तो सब तक क्या बनेगा, खमास थाट का ये गीत है। सारे गा मा पा धा नी सा नी ध प मा ग रे सा, इसमें स्वर प्रयोग होंगे। आइए फिर लाइन देखते हैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा घुंघरू सा नी सा की तरह रे माग बजता गरे ही मा रहा गरे हूँ मैं सा सा। घुंघरू की तरह सा नी सा रे मा ग बजता ही गरे मा रहूं मैं गरे सा सा। ये इसकी नोटेशन है। तो कैसे गाएंगे फ्लो में, घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। अगली लाइन सीधा तार सप्तक के साथ से उठाना है। कभी इस पग में सा सा नी सा नी ध प, कभी इस पग में सा नी ध प, कभी उस पग में
सा सा नी सा नी ध पा, सेम नोटेशन है। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, बंधता ही पानी बंधता ही रहा हूँ पानी धपमा मैं मागर सा, बंधता ही रहा हूँ मैं। ये थोड़ा सा गायकी पे भी ध्यान रखना है, इस गीत का जो भाव है उसको जरूर पकड़ना है और वो आपकी गायकी में दिखना चाहिए। कैसे? कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं। ऐसे भी गा सकते हैं, ठीक है। आइए अंतरा देखते हैं, अंतरा लेना है आपको सांसें। कभी टूट गया, अब ये तार सप्तक के गंधार तक जाएगा। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, कभी टूट सा नी नी सा गया गरी सा, कभी टूट गया सा नी सा गरी सा, कभी तोड़ा गया सानी सानी धाधा, कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, ठीक है। अगली लाइन ये भी सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है लास्ट में। सो बार मुझे फिर जोड़ा गया, ये जो गया पे थोड़ा सा आपको कुछ स्वर ज्यादा हैं तो आपको थोड़ा तालमेल बिठाना है। सो बार मुझे फिर जोड़ा गया सानी सा गरी सानी सानी धा धनी सानी द प धनी सा, ये इसकी नोटेशन है। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, सो बार मुझे फिर जोड़ा गया, इस तरीके से, ठीक है। अगली लाइन, यूं ही लुट लुट के सा सा नी सा नी ध प, यूं ही लुट लुट के सा नी ध प, और मिट मीट के सा नी ध प, सेम नोटेशन है। यूं ही लुट लुट के और मिट मीट के बनता ही रहा हूं मैं, बनता ही रहा हूं पापा नी ध प मा मैं मगर सा, बनता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको गाना है, बहुत प्यारा गीत है, बहुत सुंदर गीत है, इसको ज़रूर तैयार करिए आप लोग। और एक दो अंतरे और मैं आपको गुनगुना के बता देता हूँ, आगे के सभी अंतरों की सेम ही नोटेशन है, ठीक है। दो अंतरे और है इसमें, देखिए। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन में ही रही, शब्द बहुत सुंदर है इसमें सभी। मैं करता रहा औरों की कहीं, मेरी बात मेरे मन ही में रही,
कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहूं मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। ठीक है, एक अंतराव देखिएगा। अपनों में रहे या गैरों में घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहे या गैरों में घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला सहता ही रहूं मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहूं मैं घुंघरू की तरह बंधता ही रहूं मैं। तो इस तरीके से आप लोग गा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अभ्यास करिए, रियाज करिए, खूब राज करिए, आगे बढ़िए संगीत में, अनंत ऊंचाइयों को छुइए। ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। अगले वीडियो में नए अंदाज में नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री गुरुदेव।